वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम्। उसी क्षण योग शुद्ध हो जाता है उसका,
उसका ख्याल नहीं है उस वक्त, इस बात से उसको पता नहीं लगता, परंतु भोग से अनुति होती है तो उस समय योग होता है और उसी समय सुख होता है। भोग का सुख भी योग का ही है, योग का है ऐसा वो समझ नहीं पाता, भोग के कारण से होता है ना, इस बात से उसी तरफ देखता है। भोग से जो अरुचि होती है उस अरुचि को ये अगर स्थायी बना ले, उसको स्थिर कर ले, तो योग की प्राप्ति हो जाएगी। अरुचि तो होती है ही, उसको स्थिर नहीं बनाता है। नहीं बनाने में कारण है कि वो भोग जन्य सुख मान लेता है, योग सुख को भोग जन्य मानता है, और वो सुख योग का है तो नित्य योग का है, वो जन्य नहीं है। जन्य तो भोग होता है, संस्पर्श जा भोग, भोग संस्पर्श जा है, संबंध से जन्य होता है। मात्रा स्पर्शास तो कौन थे, ये है शीतोष्ण सुख दुख आगमा पाई अनित्यास्ता भगवान, तो संस्पर्श जा है ना, पैदा होने वाला है, हर दुखों का कारण है और आदि अंत वाले है। भगवान इशारा करते हैं योग का सुख है वो नित्य है, वो आदि अंत वाला नहीं, स्वाभाविक है। भोग से अरुचि होते ही योग में स्थिति सिद्ध है, स्वाभाविक है। भोग नहीं होते हैं, योग होता है, ये ही संस्पर्श जा भोगा, भोगा संस्पर्श जा, तो संस्पर्श जा ये होगा ते दुख यो न एव, तो स्पर्श जा भोगा नहीं है ते योगा संते वो योग है, वो योग एक है, भोग तो अनेक है, भोगा बहुजन है। तो ये ही करके है, ये अर्थ नहीं है कि जो संस्पर्श जन्य भोग वो अनित्य है, संस्पर्श जन्य भोग नहीं है वो भोग अनित्य है, ये अर्थ नहीं है। ये ही संस्पर्श जाप होगा, जो ही संस्पर्श संबंध से होने वाले भोग है, वे सबके सब कोई ऐसा नहीं कि जो दुख का कारण न होता हो, ये अर्थ है। ये ही संस्पर्श जाप होगा, ये ही, क्योंकि इससे पहले आया है ना, न प्रदेश नहीं, पहले पहले ये 22-21 श्लोक, बाह्य स्पर्शेषु अशक्तात्मा, तो बाह्य स्पर्श अशक्तात्मा कैसे हो, ये जो शंका है ना, इसका उत्तर देते हैं कि ये ही जो संस्पर्श जन्य रोग दुख के कारण है ही, क्योंकि यार ये ही संस्पर्श जब होगा तो बाह्य स्पर्श है अशक्त आत्मा, बाह्य स्पर्शों में अशक्त आत्मा होता है, विंदति आत्मनियत सुखम, वो अपने में सुख को प्राप्त कर लेता है। जहाँ इसमें आशक्ति मिटी कि अपना सुख उसको होगा ही, नियम से उसको करना नहीं पड़ेगा, कोई उद्योग नहीं, तो बाह्य स्पर्श है अशक्त आत्मा कैसे हो, तो कहते हैं कि बाह्य स्पर्श है ये ही संस्पर्श जाप होगा, जितने ही बाह्य स्पर्श भोग है वे दुखों के कारण है और आदि और अंत वाले है। इस बात बुधा तो नरमत है, विवेकी स्मरण नहीं करता, तो रमण कौन करता है, अविवेकी। अविवेकी क्या कि वो जो सुख हुआ है वो संबंध जन्य है, उस संबंध से भोग से सुख हुआ है ऐसा जानते हुए विवेकी नहीं अविवेकी है। विवेकी कौन है कि जो संबंध से विच्छेद होता है ना, संबंध विच्छेद उससे सुख होता है, जितना ही भोगों से सुख होता है वो संबंध विच्छेद से होता है। ऐसा दुख संयोग वियोग है योग समझता हूँ, दुखों के संयोग का वियोग है वो योग है। दुख संयोग वियोगम योग संहिता, उसी नाम योग संज्ञा।
तो दुखों के साथ वियोग स्वतः है, स्वाभाविक है, और दुखों के साथ संयोग ये करता है। इसको करने से ही सुख होता है, ये क्रियाजन्य सुख के बाद देश की, और क्रियाजन्य सुख है वो नित्य नहीं रह सकता, क्योंकि क्रिया निरंतर होती है, नहीं तो उस दिन सुख निरंतर कैसे होगा। क्रिया का आरंभ होता है, समाप्ति होती है, तो वो सुख होगा और मिटेगा। परमात्मा के साथ में वो नित्य है। इस वास्ते ये जो दो चीज है ना, संग्रह और विषय, भोग ऐश्वर्य प्रसंगता है ना, भोग और ऐश्वर्य प्रसंगता है ना, धन मिलता है तो सुख होता है, भोग मिलता है सुख होता है, संबंध से सुख होता है। योग का सुख है स्वतः, जहाँ भोग और ऐश्वर्य में आश्रित रह जाए, बाह्य स्पर्श असंत आत्मा विंदित आत्मा यद सुखम स ब्रह्म योग, वो जहाँ इधर भोग किया जो उधर परमात्मा के साथ प्रवृत्ति करेगा तो अक्षय अस्मित अक्षय सुख मिलेगा। और ये सुंदर सब के सब आदि अंत वाले हैं, और वो अक्षय है, कुछ अक्षय होता नहीं। परंतु शर्त ये है कि इसका सुख छोड़े तो वो मिले, और ये इसमें फंसा हुआ है भोग और ऐश्वर्य में, तो ये ही संस्कृत जो ही संस्कृत जन्म हो, कितने हो चाहे यहाँ के हो चाहे देवलोक के हो, और चाहे संपत्ति मिलने से हो चाहे भोग मिलने से हो, शब्द स्पर्श रूप रसगंध विषय से हो, चाहे आराम से हो, चाहे मान से हो, चाहे बड़ाई से हो, चाहे धन से हो, जो मिलता है सुख होता है, वो सुख एक ही समान है और दुखों के कारण है और आदि और अंत वाले है। पर इसमें रमण करता है वो उस सुख को पा ही नहीं सकता, इसमें आसक्ति रखता है वह जो सुख है ऐसी भावना रखता है, सुख मिले चाहे न मिले उसको वो अक्षय सुख नहीं मिलता। मान हो जाए चाहे बड़ाई हो जाए, चाहे धन मिल जाए, चाहे भोग मिल जाए, चाहे शरीर को आराम मिल जाए, ये मिल जाता है ना, वो मिलने वाला बिछड़ने वाला होता है, मिलने वाला बिछड़ना वो बिछड़ने वाला उनका अगर त्याग कर दे मन से तो नित्य रहने वाला योग उसको स्वतः सिद्ध हो जाए, वो बिछड़ने वाला है ही नहीं, जब योग होता ही नहीं कभी। सुखम अक्षय स्मृति सुखम आतंतिकम यह तदबुद्धि ग्राह्यम, अक्षय आतंतिक है, सबसे तो बढ़िया है, कभी नष्ट होता ही नहीं, वियोग होता ही नहीं, वो सुख है। और मनुष्य मात्र को प्राप्त हो सकता है, प्राप्त है वो तो शुद्ध प्राप्त है। इस वास्ते सुख शांति आनंद स्वतः प्राप्त है, दुख उद्योग सिद्ध है, उद्योग साध्य है, प्रयत्न साध्य है, दुख सुख स्वतः है, दुख प्रयत्न साध्य है, कोई दुख हो ही नहीं सकता बिना प्रयत्न के। जितना प्रयत्न करता है सुख के लोभ में और होता है दुख, इस वजह से परिणाम का अगर विचार कर ले, परिणाम का असर हो जाए तो दुखों से सदा ही छूट जाए। परिणाम में दुख मिलता है, वो दुख इसको सुख लोलुपता छुड़ाने के लिए ही मिलता है, ये प्रभु की कृपा है, और ये उधर ध्यान देते ही नहीं। कितने स्पष्ट बात है, ये संस्पर्श जाप होगा दुख योने ये बते, अगर योग लगा दिया ये संस्पर्श यहाँ पर ये कह रही जो ही संस्पर्श, अरे आदि अंत वाले दुखों के कारण किसी को भी दुख होगा, अभी तो सुख ले ना आदि अंत बनता तो आऊंगे न तेसरो मते बुध शक्नो थी ये सोडुम प्राग सहित विमोक्षणात् काम क्रोधो भंग स युक्त स सुखी नर, क्यों ये अंतर सुख अंतर आराम अंतर ज्योति हुई वो अंतर सुख होगा, भीतर भीतर कंचन खान खुली घटमा ही रामदास के टोटो नहीं, पर वह खुलेगी जब बाहर की आसक्ति छोड़ेगा तब। बाहर धन में और मान में भोगों में सुख देखता है तब तो वो खुलेगी नहीं, खुद
स्वाभाविक है और सबका है, सबका अधिकार है इसमें। इसमें पापी पुण्यात्मा शुभी अशुभी कोई क्या ना हो, जो चाहे वही ले लो जो, क्योंकि सबका योग तो है स्वतः से। परमात्मा के साथ वियोग हो नहीं सकता और संसार के साथ संयोग रह नहीं सकता। अब रह नहीं सकता उसको छोड़ दिया, बड़े छोड़ दे और है जो सिद्ध हो जाए स्वतः स्वामा बताइए कितना सुगम बात है। एकदम ठीक है तुम्हें शंका हो तो बोलो। योग हो जाने, योग तो हो ही जाता है, हो जाने क्या सिद्ध है, वो तो हो ही जाता है। आपकी दृष्टि नहीं हो, आपकी दृष्टि भोगजन सुख मानते हैं। देखो गाय को देखा है ना आपने, गाय है जो सूंघती है ना किसी वस्तु को, सूंघे गाय सूंघेगी गए वस्तु, और गाय के सूंघने मात्र से वस्तु अशुद्ध हो जाती, अशुद्ध मानी। गाय का गोमूत्र भी शुद्ध है, गोमूत्र भी शुद्ध है, खुरों की रज भी शुद्ध है गाय, पर गाय सूंघ सूंघ ले वो अशुद्ध हो जाती, ये श्राप हुआ हुआ। तो वो सूंघती है तो आप देखो सूंघती है, अपने को सूंघे क्यों सूंघेगा, वो गाय नहीं सूंघेगी, वो फूंकार देती बाहर श्वास छोड़ती, अब बाहर शोर छोड़ती जिन्हें भीतर लाने सुख तो आता ही है, पर बस ये पता नहीं तो भीतर श्वास आता उसे सूंघ दिया, वो सूंघ देते बाहर कहते उसमें आती है फूंकार करेगा। ये दशा है मनुष्य भोग सो तो बाहर से, बाहर से दियो तो सू तो बाहर की मिटने से भीतर का होता है, इसको पहले भोग से होने वाला। अब वो इस बात के योग का इसको आनंद नहीं, वो भोग का इसको मानते, उसको भोग का रस मानते। जैसे बालक है मुंह के पास मात्र कहता है, एकदम मुंह के पास आ कहेगा, वो समझता सुनने की बोलने से यही है, उसे ये पता नहीं सुनने की जगह अलग है। इस तरह से योग और भोग एक ही, वो भोग ही है, वैसे योग तो है ही नहीं। अरुचि तो योग, योग अरुचि होती योग तो हो ही गया, तो योग तो सहज होता है सिद्ध। रुचि के कारण से विमुख हुआ था, भोग की रुचि के कारण से योग से विमुख हुआ, जहाँ अरुचि हुई वहां तो स्वतः अपने मिश्री हो गई। नहीं अरुचि समय, अरुचि समय तो नहीं होता, अरुचि के समय ही सुख होता है। उस सुख को मानता है भोग जन्य तो नहीं होता। नारायण 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 नारायण, इसमें से खूब आप मनन करो और फिर शंका करो, पूछो सीधी सरल बात है। ये प्रवचन परम सिद्ध स्वामी जी महाराज द्वारा दिनांक 21 जुलाई 1981 को प्रातः 5 बजे नित्य स्तुति के बाद मुंडी मनोरंजन पर हुआ।